का शुक्र अच्छी हो और आप लोगों के खैरियत चाहती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों की जो भी परेशानी है, दुख है, बीमारी हो या कोई भी टेंशन हो, अल्लाह ताला अपने रहमो करम से दूर करे। आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अंडे की बनी हुई रेसिपी। ये घर में आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़े की शानदार रेसिपी है। शाही एग मलाई मसाला, ये हमने एग ले लिया है, इसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करके इसको ऐसे कट लगा देंगे हल्के हल्के से नाइफ से, ताकि ये तलने में फटे नहीं और तेल उड़े नहीं। निकालिया है एक को, हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्के से हमने लाल करके निकाल लिया। अब उसमें हम बचे हुए ऑयल में हमने डाल दिया बटर, और उसमें हमने प्याज और एक प्याज और चार पांच हरी मिर्ची हमने पीस के लिए वो उसका पेस्ट हमने डाल दिया इसमें, और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग चार, दालचीनी और दो इलायची हमने उसमें डाल दी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब चीज़ें डाल के हम इसे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे फ्रेंड्स, तब तक सारे सरफेस पे ऑयल ना आ जाए और सारे मसालों का कच्चापन के स्मेल चले जाएगी, तब तक भूनेंगे। इसका कलर नहीं चेंज होगा प्याज का, बस सरफेस पे ऑयल आ जाए तब तक भूनेंगे। इसको चलाते रहेंगे लो फ्लेम में, भूनते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भून गया ये, इसके सारे सरफेस पे ऑयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये कसूरी मेथी है फ्रेंड्स, हाथ से ऐसे मसल के डाल देंगे। अब कसूरी मेथी ज़रूर डालें, स्किप ना करें। कसूरी मेथी डालने से इसका जायका 4 गुना बढ़ जाता है। वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्के से भून लेंगे। ये भी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ml मिल्क। मिल्क हम डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी इसमें मिल्क थोड़ा और जाएगा, हम सब इसमें मिल्क 200 ml इसमें सारा हम डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे और लो फ्लेम में इसको बॉईल आने तक चलाते रहेंगे। अब तक फ्रेंड्स हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अब हम दूध डालने के बाद में नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने डाला है 1 टीस्पून। एग को फ्रेंड्स हमने 2 पीसेस में कट करके रखा है, वो हम इसमें 1 by 1 अरेंज कर देंगे। इसको इस तरह जैसे सब तरफ अरेंज कर देंगे एग को। खुशबू और जायका इसका बढ़ जाता है मेथी से, और उस बटर की खुशबू बहुत अच्छी महक इसमें आ रही है। और हम इसे फाइनल करेंगे, ब्लैक पेपर फ्रेश कुटा हुआ हम इसमें डालेंगे और कोरिएंडर डाल के इसको फाइनल कर देंगे। अब हम इसको हल्के हाथ चला के और ढक के रख देंगे, गैस को कर देंगे ऑफ और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के रख देंगे, बाद में करेंगे प्लेट आउट।
ज़रूर बनाइए ये डिश। अचानक से मेहमान आ जाए, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और लाजवाब शानदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, एक डिश भर के तैयार हो जाती है ये। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर, इसका कलर, और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते इसमें, और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, रोटी से या पराठे के साथ इसे सर्व करें, और मुझे दुआओं में याद रखिए फ्रेंड्स, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पास में लगे मुझे दुआओं में याद रखिए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।